चटिया डालकर जला रहा था बिजली। दुकान में केसर ने डाला छापा तो जीजा का नाम लगाकर माँ और बहनों की कर दी बेरहमी से पिटाई। भाई के आतंक से शहर में परिवार ने जब पुलिस से गुहार लगाई तो लाल बंगला चौकी इंचार्ज ने उल्टी आंख दिखाई। जी हाँ, आपको बता दें, कानपुर थाना चकेरी शराब ठेके के बगल में कैंटीन चला रहे मनोज की दुकान पर केसकों ने मारा छापा, क्योंकि जनाब कटिया डालकर चला रहे थे कार। खिसियाहट में क्रोध में भरा अपने घर पहुंचा मनोज और अपने जीजा पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि उसी ने मेरी दुकान पर छापा डलवाया है। लाठी और डंडों से माँ और बहनों को बुरी तरह से मारा पीटा और लहूलुहान कर दिया। उसी अवस्था में जब पीड़िता 112 नंबर पर पुलिस की सहायता लेनी चाही तो पुलिस ने उन्हें थाने जाने को कहा। थाने पहुंचने पर उन्हें चौकी जाने के लिए कहा। चौकी से थाने पहुंची तो पीड़ितों की तहरीर तो ली गई, लेकिन कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति की गई। 3 दिन बाद पीड़ितों को जब चौकी बुलाया गया तो चौकी इंचार्ज साहब ने उन्हें उल्टी आंखें दिखानी शुरू कर दी, धमकी भी दी और तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तुम्हें घर से बेघर कर देंगे, लेकिन आतंकी भाई को वहां से नहीं हटने देंगे, वह मारे चाहे पीटे वह वही रहेगा। इतना ही नहीं, महिलाओं के अनुसार चौकी इंचार्ज लाल बंगला ने उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जिसे यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता। आखिरकार कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस का यह रवैया पुलिस को जनता की नजर में कहां तक गिरेगा और आगे आने वाला समय पुलिस कर्मियों के किस भविष्य को तय करेगा। बात सिर्फ इतनी थी कि इस तरह के भाई को महिलाएं अपने घर में नहीं रखना चाहती और यह उनका हक है। मकान बुजुर्ग माँ का है, वह जिसे चाहे रखना चाहे रखे और जिसे ना रखना चाहे ना रखे। पुलिस को इसमें निष्पक्षता से कार्रवाई करनी चाहिए थी। मनोज बाबू तो पहले से ही चोर हैं जो कटिया डालकर बिजली का उपयोग कर रहे हैं और वह भी सरकार की चोरी कर रहे हैं। पुलिस को यह दिखाई नहीं दिया और उल्टा महिलाओं पर ही कार्यवाही की धमकी दे डाली। वाह रे पुलिस, वाह पुलिस कमिश्नरेट। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। क्या नाम है? मैं समाज सेविका सीमा त्रिपाठी। मेरे पास लगभग 3 बजे फोन आया इन पीड़ितों का कि यहाँ के लाल बंगला चौकी इंचार्ज है, मुझसे कह रहे हैं कि आप अपने भाई को रखिए यहाँ पे। इनका अभी 5 सितंबर को एक बवाल हुआ था, इसमें भाई ने बुरी तरह से अपनी बहनों को मारा, माँ को मारा है और उसी घर में ही उनकी दुकान भी चलती भाई की। तो चौकी इंचार्ज जो लाल बंगला चौकी इंचार्ज थे, मेरे सामने जब मैं वहाँ गई, मेरे सामने भी उन्होंने बोला कि नहीं इनको तो रखना ही पड़ेगा। जब मैंने कहा कि माँ के नाम पे मकान है, वो जिसको था उसको देगी नहीं रखेगी, लेकिन कहते नहीं इनको रखना ही पड़ेगा। जब ज्यादा बात बनने लगी तो चौकी इंचार्ज अपनी सीट छोड़ के वहाँ से चले गए। ये मामले को लेकर कई तरीके से बिचारी इधर उधर भटक रही हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को लेकर लगातार एक नारी शक्ति को लेकर लगातार एक बात कहते हैं, वहीं पे महिलाओं पे ही अत्याचार पे क्या कहना चाहिए? मेरे योगी जी मोदी जी तो बहुत कानून बना देते हैं, लेकिन मेरे थाने की पुलिस कुछ भी महिलाओं को नहीं सुनती। जब से कमिश्नरेट लागू हुआ है तब से मैं देख रही हूँ कि महिलाओं की कुछ भी नहीं सुनी जा रही है। इसी तरह से महिलाएं पीट रही हैं और उनके संग न्याय नहीं हो रहा है। न्याय उनके संग हो रहा है, जो गलत महिला उनके संग न्याय हो जाता, जो वाकई में सच्ची महिला उनके संग न्याय नहीं हो रहा है। तो मेरी योगी जी से शिकायत है कि उनसे विनती भी है कि हर थाने पे निगाह रख के इस तरह से देखे कि महिलाओं को संग वाकई में न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इनके भाई के ऊपर सुना है कि 151 खाली किया था, वो थाने से ही छोड़ दिया गया। बेटा आपका पूजा नाम है, क्या मामला है पूजा? सर, अंग्रेजी टेडक सर बगल में कैंटीन भाई करे, हाँ। बत्ती वाले भाई आए थे कटिया के में, तो भाई हम लोग को खूब गाली गलौज बकी ने कि तू इन्हें भेजा, मेरे जीजा मरजीत का नाम लगा के खूब गाली बकी ने। किसने गाली गलौज परी भाई? मनोज ने। मनोज, मनोज का क्या कहना है? मनोज का कहना कि हम लोग ने भेजा कटिया वालों को। अच्छा, अब आपने जो यहाँ पे कहाँ कहाँ आपने गई है एप्लीकेशन दी? आपने पहले गए थे गोदावरी, गए थे जाजमो, गए थे रामा देवी सर आए थे, तो हम लोग पहले कोई नहीं सुनवाई हुई थी। अब पुलिस प्रशासन आपको क्या कहना चाह रहे हैं? पुलिस प्रशासन हम लोग को डांट रही जबरदस्ती। किस तरीके से डांट रही? तो गंदी गाली भी देने तक ये डंडी ना चिपका हो रहा, डेली डेली ये हो रहा है, ये बताया अगर मनोज को घर में नहीं रखा जाएगा तो हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे, ताला लगा देंगे। किसने कहा था? दरोगा साहब। कौन है दरोगा जी? लाल बंगले चौकी इंचार्ज ने कहा था। लाल बंगले चौकी इंचार्ज ने कहा था। तो क्या उनका नाम कुछ जानकारी है? नहीं सर, उनका नाम। फिर इसके बाद कब कब बोले थे? जी आज बोले थे। आज इसके बाद आप कहाँ? अतिथि आज आई है तो अतिथि लोग से हमको बड़ी मदद मिली है।